Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. And now... Hello guys, this is OS Khan, ex-MMA fighter. Today we are in Lucknow, Uttar Pradesh. और ये सेकेंड MMA फाइटिंग कॉम्पिटिशन चल रहा है स्टेट लेवल का 2022. सो अभी बहुत सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे आपको दिखाना बाकी है. सो लेट्स गो फॉर द इनसाइट. प्रशांत गातोंडे जी, तो अभी जैसे मतलब इंडियन एमएमए बहुत ज़्यादा हाई रेंज स्कोप पे जा रहा है. इवन गूगल सर्च इंजन के हिसाब से भी मोस्ट सर्चेबल रिजल्ट में भी जो है इंडियन एमएमए बहुत सर्च करा हुआ चीज़ है. तो अभी आपके प्लान्स क्या हैं कि इंडियन एमएमए को किस लेवल पे लेके जाना है या कैसे अपनी एसोसिएशन के साथ रोल अप करना है? सी अभी जो मिक्स मार्शल आर्ट इंडिया जो हमारा नेशनल फेडरेशन अपना मेन इंटेंशन है ये फाइटर्स का सेफ्टी और जो स्पोर्ट्स है मिक्स मार्शल आर्ट का स्पोर्ट्स है उसको एक रिकग्निशन देना. या जैसे अभी गवर्नमेंट की तरफ से रिकग्नाइज नहीं है बहुत से स्टेट्स में नहीं है आई थिंक सो और बहुत सी कंट्रीज़ में नहीं है और बहुत सी कंट्रीज़ में ये रिकग्नाइज स्पोर्ट है. तो अपनी इंडिया में भी आई थिंक पहले रिकग्नाइज होना ज़रूरी है. जी सो इससे रिकग्निशन से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ एमएमए स्पोर्ट्स जो है इंडिया में बहुत नया है. हालांकि वर्ल्ड लेवल पे नंबर वन लीडरशिप है फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पोर्ट्स है इंडिया में अभी तक बहुत नया स्पोर्ट्स है. इसको हमको टाइम देना चाहिए एक्सेप्टेंस के लिए. पहले सोसाइटी को इसको एक्सेप्ट करना चाहिए क्योंकि इंडिया में कॉम्बैट स्पोर्ट्स के लिए एक्सेप्टेंस बहुत कम है. लेकिन हालांकि वो चेंजेस दिखाई दे रहे हैं और हम चाहते हैं कि एमएमए को लोग एक्सेप्ट करना शुरू कर दें. वो मेरा हमारा पहला देश है. सो आज ऐसे की Come on.
सही है, बस लगे रहो, मुक्का दे इसमें, मारते रहो कुछ सेकंड बचे बस, अरे
गाइस, दिस इज इंडियन एमएमए फाउंडेशन। तो अभी हमारे साथ हैं तरुण बाल्मीकि। तरुण बाल्मीकि, अभी ये तुम्हारा कौन सा डेब्यू मैच था या जो है सेकंड मैच था? कितने मतलब तुम्हारा रिकॉर्ड क्या रहा अभी तक के? जी सर, मेरा ये फर्स्ट मैच है। अच्छा, फर्स्ट करियर में। अच्छा, बाय द वे कांग्रेचुलेशन तरुण का ये जो है फर्स्ट बाउट था और जो आज जीत लिया तुमने। तो तुम्हारा जो वेट कैटेगरी है वो कौन सी वेट कैटेगरी पर? मेरा वेट कैटेगरी है 49 kg और मेरा अपोनेंट का कोई नो आइडिया। अच्छा, तो बेसिकली तुम बिलोंग कहाँ से करते हो, कौन सा एरिया से या कौन सी सिटी से? सर, मेरा मेरी सिटी है लखनऊ। अच्छा, लखनऊ ही से बिलोंग करते हो। ओके, तो अभी तुम्हें एमएमए में कितना टाइम हो गया? सी, मेरी एमएमए तो फर्स्ट ही फाइट है, एमएमए में ये फर्स्ट फाइट है, फर्स्ट ही टूर्नामेंट में खेला। अच्छा, फर्स्ट फाइट और फर्स्ट फाइट तुम जो है जीत चुके हो। तो अभी तरुण तुम क्या देखते हो कि इंडियन एमएमए में कौन इंसान जो है, तो कौन सा मतलब इंडियन फाइटर है जो तुम्हें मोटिवेट करता है या यूथ आइकॉन है तुम्हारे लिए? सर, मेरे में तो मेरे कोच हैं श्री अभिषेक वर्मा जी, जी मुझे ही वो मोटिवेट करते हैं। तो बेसिकली तुम जो हो किस स्पोर्ट्स में जाना चाहते थे बचपन से? जी मेरा है बॉक्सिंग। अच्छा, स्टैंडिंग गेम है तुम्हारा? सो ग्राउंड गेम पे अभी तुम वर्क कर रहे हो? कहाँ से बिलोंग करते हो? सर, मेरा नाम आशी है, आशी वर्मा पूरा नाम है और मैं कानपुर से हूँ। कानपुर से हो? तो आशी, जैसे मतलब इस एमएमए में तुम कब से हो एमएमए स्पोर्ट्स में? सर, ये एमएमए में मेरा पहला इवेंट है जो मैं खेलने आई हूँ। अच्छा, अभी डेब्यू करने जा रहे हो? हाँ जी सर। ओके, नाइस। तो तुम्हारा मतलब बैकग्राउंड क्या है, स्टैंडिंग गेम पे है या फिर जो है ग्राउंड गेम पे है या क्या किया है तुमने? सर, इससे पहले सर बॉक्सिंग और वुशु मेरा बैकग्राउंड गेम रहा है। वुशु में मेरे पास मेडल भी है स्टेट का। Yeah.
Yeah.
After this fight, Vishal Bala Putragan red corner, Shashwat Banaras blue corner, be ready. भाई आप हम भी मूवमेंट ही करते हैं Thank you.
वार्मअपन से फिर मार दूंगा, अपरकट लगेगा गिर जाएगा। Come on.
फेक है भाई साहब। एक हाथ से दूसरे
Zulfikar,
फंसी